कदमा हिंसा के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बुधवार देर रात उपायुक्त और एसएसपी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि स्थिति पहले से बेहतर है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर हालात का जायजा लिया जा रहा है। लोगों से जुमे की नमाज के संबंध में पूछताछ की जा रही है ताकि किसी तरह का भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अभी फोर्स की तैनाती रहेगी। शुक्रवार के बाद धारा 144 के संबंध में समीक्षा की जाएगी। उपायुक्त ने शहरवासियों से अमन चैन बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में शांति कायम है, लोगों से मिलजुल कर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। शुक्रवार को जो नमाज अदा करनी है लोगों को, उसके बारे में ही कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कि कितने संख्या में लोग आएंगे, दो पाली में करेंगे कि एक पाली में करेंगे, और अंदर ही वो मस्जिद में करने वाले हैं, तो उनको पूर्ण तरह से सहकार्य करने के लिए, प्रशासन को सहकार्य करने के लिए कहा है और उन्होंने भी ये माना है कि हमारा कंप्लीट कोऑपरेशन रहेगा। अलग लोगों के, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सबके भावनाओं को हमको सम्मान करना आना चाहिए, और शांति से जितना हम रहेंगे उतना हम इसकी जो जमशेदपुर की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय कर पाएंगे। किसी का भी त्यौहार हो, उसमें खुशियाँ हो, शांति हो और आपस में भाईचारा हो, तो वो खुशियाँ दुगनी हो जाती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि शांति बनाए रखें। कहीं पे भी कोई भी मसला हो, मामला हो, तो आप ज़रूर हमें इन्वॉल्व करें। हम पिछले 2-3 दिनों से जितने सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, पेशेंट हियरिंग दे रहे हैं, जहाँ एक्टिवली इमीजिएटली कुछ कर पा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग शांति बनाए रखें, किसी भी तरह का कोई भ्रामकता या किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्ररी थॉट्स को पैदा ना करें और सब लोग आपस में अच्छे से रहें। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लोग आसानी से कहीं भी आ जा रहे हैं, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्व की तरह खुल रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, कहीं से भी कोई चिंता की बात नहीं है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद धीरे धीरे सुरक्षा बलों को कम किया जाएगा। फिलहाल धारा 144 लागू है। सिचुएशन एकदम कंट्रोल है, काफी पीसफुल है। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ के जो बसिंदे हैं, यहाँ के पब्लिक हैं, उनसे भी जो भी लोग आ रहे हैं, लोग हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं, यहाँ की स्थिति जान रहे हैं, तो सब कुछ नॉर्मल है। और यही कारण है कि हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों से एक बार जान करके सिचुएशन को असेस कर करके तब फोर्स को कब तक कंटिन्यू करना है, क्या रखना है, नहीं रखना है, उसी असेसमेंट के लिए आए हैं। तो हम लोग सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, जैसा डिमांड होगा वैसा करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.